कलेंट पैकिंग का बुश है जो इसके अंदर ऑलरेडी कलेंट पैक चेंज नहीं किया हूँ, तो इसके लिए अभी हमने इस बुश को जो है ऐसे लगाना है। ये लगा दिया बुश को, उसके बाद अभी हम जो है ये हमारा बेस है, उसका बेस है ये देखना है कि शुरुआत कैसे बैठना है। जैसे कि ये देखिए अंदर की तरफ है और इसका ये दिखा रहा है, ये पैकिंग के लिए जाके आराम से दोनों एक दूसरे में बैठ जाएगा। इसको ऐसे नहीं है कि एक साइड फ्लैट है तो फ्लैट के साइड आपको नहीं लगाना है, ऐसे प्रॉपर जाके बैठाना है, तब जाके ये कम्प्लीट सेटअप रेडी होगा। ओके, इसको आप कपड़ा अच्छे से पैकिंग को दोस्तों, ये हमारा बॉडी है, तो बॉडी को जो है ये हमारा गैस्केट है, तो अभी जो है गैस्केट को इसके अंदर हमने बॉडी के अंदर फिक्स कर दिया। ऑलरेडी अंदर में ये हमारा जो ये सीट है, ये जो है हमारा बाकी बैठने का प्लग, ये देखिए ये सीट है, अभी सीट को ओपन नहीं किया हूँ, तो अभी हम जो है डायरेक्ट अभी हम इसको स्टैंड को जो फिक्स करेंगे। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी फिक्स कर दिया, अभी हम बोल्ट टाइट करें। देखिए दोस्तों, ये हमारा फाइनल जो है स्टेम के साथ बॉडी के साथ जो है सिंबल कर दिया हूँ, अभी इसको फाइनली हम टाइट मारेंगे। एक्चुएटर का जो है अभी कोई बाकी है, अभी एक्चुएटर का जो है कपलिंग बाकी है, उसको हम सेट करेंगे, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अभी देखिए ये एक्चुएटर है, उसको अभी हम ये चेक कर, ये हमारा योक नट है हाथ बचा के, सीधा करिए सीधा करिए इसमें, अभी घुमाओ बैठा है, अरे बस चलना था यार। हाँ हाँ बस चलना था, रुको रुको उठा 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 रुका भाई, ऐसे ही उठाना ऐसे ही फिर डाल देना। ठीक है, ये देखिए, देखो दोस्तों इसके अंदर जो है रुके रहिएगा, ये जो है दो हमारा लॉक नट है, दो जो हमारा कपलिंग को जो है मजबूत से पकड़ के रखेगा। ये अंदर का कंडीशन देख रहे हैं, ये वाला जो हॉल देख रहे हैं, ये वाला, ये इसके अंदर जो है ये हमारा स्ट्रिंग जो है फिक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसके अंदर जो है यहाँ ऐसा है। देखिए दोस्तों, ये हमारा सिग्नल इसका 4 to 20 है, आइए एफ है, एयर फेल एफ एल टू है, ठीक है, और ये हमारा 25 पीस आई उसका रेंज है, 5 क्लास 4 क्लास वाल है। तो देखिए दोस्तों, दोनों लॉक को लॉक कर दिया है और स्टेम के साथ अभी क्या है, ये हमारा फेल एक्शन ओपन वाल है, अभी क्लोज कंडीशन में है, तो इसके वजह से ये हमको जो थ्रेड हमारा स्टेम का जो थ्रेड रहेगा और इसका ऊपर का 2 थ्रेड और एसडीएम पलक का 1 थ्रेड रहेगा, तो अभी इसी की तरह लॉक करके अभी धीरे धीरे इसको ओपन कर रहे हैं, तो ये वोल्ट हमारा जो है ऊपर चला जाएगा, एसडीएम ऊपर चला जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर ये देखिए हमारे राजेश भाई हैं, ये हमारे इंजीनियर साहब हैं, जो हमारे सब, ये हमारे असिस्टेंट टेक्नीशियन हैं जो सपोर्टिंग में रहते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है कपलिंग है और इसके अंदर अभी हम कनेक्टेड लिंक जो है लिंक करेंगे, ये दो जो बोल्ट देख रहे हैं, ये हमारा कर लेगा। देखिए ये हमारा फलाउन
सेट हो जाएगा, लगाएगा ये जो बेस देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा जो है जो नट है इसके अंदर ऐसा फिक्स होगा पोजिशनर को। उसके बाद ये हमारा जो है ट्यूब, हमारा ये हमारा इनलेट रहेगा, ये आउटलेट रहेगा। इसमें दो गेज है ना, इसमें एक हमारा इनपुट एक आउटपुट का दो गेज रहेगा। ये दो ट्यूब है, एक हमारा इनपुट के लिए रहेगा, एक आउटपुट के लिए। आउटपुट वाला जो है आप एयर लॉक रिले, एयर लॉक रिले है ये, इसके थ्रू जो है ये डायफ्राम में जाएगा। ऊपर से हमारा प्रेशर होगा और नीचे हमारा कलेक्शन FL2 है। ये हमारा इनलेट है, ये आउटलेट है, इसके हिसाब से ये पोजिशन वर्क करेगा। तो ये हैंड जैक है, ये हैंड जैक का हमारा ये देखिए हैंड जैक जो है वो हमारा कपलिंग में जाके फिक्स हो गया, जिसके थ्रू जो है मैनुअली ओपन क्लोज कर सकते हैं। ये हैंड जैक अभी हमारा क्लियर हो गया। तो दोस्तों अभी हमने देखिए फाइनल एक्चुएटर और STM प्लग और ये सारा चीज़ हमने लिंक का जो है सब चीज़ हम सेटअप कर दिए हैं और कुछ अभी पेंडिंग है, तो उसको मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताएगा। ठीक है, थैंक यू। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।